स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इससे क्या प्रमुख तत्व या तथ्य जुड़े हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास के लेक्चर लेने से पहले, प्राचीन इतिहास के बारे में हम अगर बताएं उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक ओवरलुक लेते हैं प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, उसका ओवरव्यू लेते हैं। यकीन मानिए यहाँ से आपको क्वेश्चन टेकल करने के लिए, चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो, क्वेश्चन टेकल करने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहली बात है कि इतिहास, जो इतिहास है, इतिहास को स्टडी कैसे कालखंड में बांट करके देखा जाता है। तो एक प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल में होता है, उसमें क्या आता है, तीसरा हमारा आता है क्या, ऐतिहासिक काल। ये हमारे कालखंड इतिहास को पढ़ने के डिवीजन किया गया मोटा मोटा। प्राग ऐतिहासिक में क्या आता है कि पुरातात्विक साक्ष्य होता है। पुरातात्विक का मतलब क्या, जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स एविडेंस, उनके पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हम जो इतिहास की कल्पना करते हैं कि ये हुआ होगा, वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक में क्या है, पुरातात्विक के साथ साथ, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हम क्या करते हैं, लिखित होता है, लिखित साक्ष्य होता है, लेकिन लिखित साक्ष्य होने के बाद ये हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में क्या, पुरातात्विक होने के साथ साथ हमारा क्या होता है कि लिखित साक्ष्य होता है, चाहे वो लिखित साक्ष्य क्या किसी साहित्य के बारे में हो, साहित्य से मिले हमें, या कोई विदेशी या देशी यात्री कोई किताब लिखा हो उससे मिल जाता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, जैसे प्राग ऐतिहासिक में हम लोग स्टोन एज या पाषाण काल को लेके आते हैं, ठीक है, और आद ऐतिहासिक में आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीजें पढ़ते हैं उसके पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे लिखित साक्ष्य भी मिला है। लिखित साक्ष्य हमें मिलते हुए भी हम आज तक सिंधु सभ्यता से जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक में रखा जाता है। समझ गए, मतलब स्टोन एज से, स्टोन या पाषाण काल से सिंधु सभ्यता तक आने में जो काल है ये बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक, और सिंधु सभ्यता तक आप आओगे तो यहां पर मिलेगा आद ऐतिहासिक, और सिंधु सभ्यता के बाद जब जाते हो और अभी तक जो भी आता है वो ऐतिहासिक में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हम देखने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में क्या क्या है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, पढ़ेंगे, या इसी को बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन कालखंड में। ठीक है, एक को बोलते हैं पूरा पाषाण, एक को बोलते हैं मध्य पाषाण, और एक को बोलते हैं नौ पाषाण। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन है। पूरा को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण को, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो ये हमारा पाषाण काल पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद आ जाता है हड़प्पा काल। हड़प्पा या आईबीसी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा काल। हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है, ये 2350 से लेके 1750 बीसी तक माना जाता है। ये टाइमलाइन याद रखना, ये एग्जाम में आ जाता है, ये माना जाता है हड़प्पा काल, और ये आद ऐतिहासिक में आता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। अब इसके बारे में देखा जाए तो विद्वानों में, जो इतिहासकार हैं, उनमें मतभेद है। एक तो बोला जाता है कि ताम्रपाषाण काल जो है ना वो हड़प्पा के साथ या हड़प्पा के पहले आया था यहाँ पे, और हड़प्पा के बाद तक ताम्रपाषाण काल देखा गया। हड़प्पा के बाद तक, याद रखना, हड़प्पा के पहले आया था लेकिन हड़प्पा के बाद तक। लेकिन मुख्यतः इतिहासकार ये कहते हैं कि हड़प्पा के बाद ताम्रपाषाण आया मुख्यतः। ठीक है, तो हड़प्पा के बाद रखें, लेकिन ये कंसेप्ट बैठाना दिमाग में जरूरी था कि ताम्रपाषाण हड़प्पा के पहले भी स्टार्ट होता है, हड़प्पा के साथ साथ चलता है, और हड़प्पा के बाद भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। अब आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल में हम लोग देखेंगे, वैदिक काल में जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद है, उसके बारे में बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं आईएएस में, चाहे पीसीएस में। उसके बाद वैदिक काल के बाद हम लोग चौथा पढ़ेंगे सूत्र काल।
सूत्रकाल। वैदिक काल में देखो, वैदिक काल का टाइमलाइन है 1500 से लेके 600 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। तो सूत्रकाल आता है, सूत्रकाल क्या कब आता है, 6 बीसी से लेके 6 बीसी से लेके 4 बीसी तक। अच्छे से समझना ये सीक्वेंस है। 4 बीसी तक जब आते हैं तो 4 बीसी में इसमें कौन कौन और आ जाता है अगर देखें तो सूत्रकाल में कौन कौन आते हैं ये ध्यान रखना है। देखो सूत्रकाल में वैदिक वैदिकोत्तर काल आ जाएगा, वैदिकोत्तर काल भी सूत्रकाल में आ जाएगा। इसी में बौद्ध आएगा, बौद्ध बौद्ध आ जाएगा, जैन आ जाएगा, फिर साउथ में जो वैष्णव वैष्णव या शैव आया था, शैव संप्रदाय वो आ जाएगा। फिर इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा पूर्व मौर्य काल, जितने भी मौर्य काल थे, मौर्य काल के पहले की घटना पूर्व मौर्य काल देखेंगे, या इसी को महाजनपद बोला जाता है, महाजनपद देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा यहां तक चौथा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमारा आता है क्या कि मगध का उत्कर्ष देखेंगे। जब महाजनपद देखेंगे, महाजनपद में मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, तो मगध का उत्कर्ष देखेंगे यहाँ पे। अब मगध के उत्कर्ष में यहाँ पे बता दें कि कौन कौन से वंश आए थे। तो अगर देखो मगध के उत्कर्ष में यहीं पे वंश देख लेते हैं, सीक्वेंस में देखेंगे। पहला आया था मगध के उत्कर्ष में, मगध में कौन कौन वंश आए थे, तो ये देखें, हर्यक वंश आया था, हर्यक वंश आया था। उसके बाद तुम्हारा आया था कौन, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आता है हमारा नंद वंश। हम अभी सूत्रकाल के महाजनपद की बात कर रहे हैं, उसमें महाजनपद में किसका मगध का उत्कर्ष देखते हैं और कैसे मौर्य आया उसके बारे में देख रहे हैं। तो मगध उत्कर्ष में कौन कौन वंश आया था, हर्यक वंश आया था, शिशुनाग वंश आया था और नंद वंश आया था। तो ये सीक्वेंस एक बार पूछ लिया गया था, तो यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हर्यक वंश में कौन कौन थे ये इनका सीक्वेंस देखो। हर्यक वंश में बिंबिसार आया था, बिंबिसार आया था। उसके बाद कौन आया था, अजात शत्रु आया था, अजात शत्रु। अब पूछ लेता है कि कौन से वंश में कौन से शासक थे, तो यहां पे से आपको सीधे क्वेश्चन टेकल करने के लिए, अजात शत्रु के बाद कौन आया था, उदयन आया था, ठीक है। अब शिशुनाग वंश में कौन कौन आया था, तो ये देख लेते हैं। तो पहला तो शिशुनाग ही आया था, शिशुनाग के बाद कालाशोक आया था, कालाशोक आया था, ठीक है। अब नंद वंश में देखें तो नंद वंश में दो राजाओं का ज्यादा नाम रहता है, एक महा महा पद्मनंद, महापद्मनंद, और दूसरा आया था घनानंद। यही घनानंद है जिसके समय में अलेक्जेंडर या सिकंदर ने क्या किया था, इन्वेजन किया था या आक्रमण किया था। और इसके बाद क्या होता है, ये घनानंद के या नंद वंश का अंत करके हमारा क्या आ जाता है, मौर्य वंश आ जाता है, मौर्य वंश स्थापित होता है। तो मौर्य वंश इसके बाद सीक्वेंस में आ गया। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, यहाँ पे से ध्यान रखना, यहाँ पहले वाले तो सीक्वेंस सही है। महाजनपद में आएंगे, मगध का उत्कर्ष देखेंगे, तीन वंश आए थे, हर एक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के में तीन ये वंश आए थे, किसमें, मगध के उत्कर्ष में देखेंगे। तो हर एक वंश में कौन आया था, बिंबिसार आया था, अजात शत्रु आया था और उदयन आया था। शिशुनाग वंश में शिशुनाग आया था, कालाशोक आया था। नंद वंश में महापद्मानंद आया था और घनानंद आया था। और नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब देखो नंद मौर्य काल में क्या राजा के सीक्वेंस रहे थे। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य आता है, ठीक। इसके बाद हमारा कौन राजा बनता है, बिंदुसार बनता है। ये मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। तो नंद वंश को से हराकर कौन मौर्य वंश की स्थापना करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आता है। बिंदुसार के बाद हमारा आता है कौन, अशोक, और इसका लास्ट बनता है बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका लास्ट एम्पायर होता है, लास्ट राजा होता है, किसका, मौर्य वंश का। तो ये मौर्य वंश होता है, यहां मौर्य वंश के रूप में देखेंगे। अब मौर्य के बाद हम लोग देखेंगे क्या, मौर्योत्तर काल। मौर्य के बाद हम लोग देखेंगे मौर्य के बाद या मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में अगर देखें तो दो होता है, मौर्योत्तर काल को दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो देशी वंश होता है मौर्योत्तर काल में, देशी वंश के रूप में देखेंगे, और एक देखेंगे विदेशी वंश के रूप में, ठीक है। अभी तक देखो महाजनपद में हम मगध बताए, मगध के बाद हमने बताया कि कैसे मौर्य आया, मौर्य के बाद बताया मौर्योत्तर काल आया। तो मौर्योत्तर काल में हम बता रहे हैं कि देशी वंश और विदेशी वंश, दो वंश इसमें थे। तो देशी वंश में कौन कौन था ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देशी वंश में देखो पहले आया था सुंग, ठीक है, सुंग वंश आया था। उसके बाद आया था कर्णव वंश, कर्णव वंश। उसके बाद आया था सातवाहन,
ठीक है, ये हमारा क्या है, देसी वंश थे, अर्थात ये भारत के थे। अब विदेशी के बाद, विदेशी में देखें कि कौन विदेश या आक्रमण किया था, तो सबसे पहले कौन आया था, हिंदू, यूनानी बोलते हैं, इंडो ग्रीक बोलते हैं या ग्रीक बोलते हैं, ये आए थे पहले। उसके बाद कौन आया था, शक आया था, अशक के बाद कौन आया था, पहलो आया था, पहलो, या इसी को बोलते हैं पार्थियाई, क्या बोलते हैं, पार्थियाई, ठीक है, ये आया था। उसके बाद लास्ट कौन आया था, कुषाण। ये सीक्वेंस में है, देसी वंश का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, आप लोग याद करो कि क्या ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि नहीं। जब तक ये टाइमलाइन नहीं जानते होगे, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, और बहुत चीजें क्लियर होंगे इससे। तो देसी वंश में देखो, सुंग आया, उसके बाद कड़ो आया, देन सातवाहन, सातवाहन में साउथ में, सातवाहन के बाद बहुत सारे आए, तो वो साउथ में देखा जाएगा। विदेशी वंश में देखें तो कौन कौन आया, पहले ग्रीक आया, देन शक आया, उसके बाद पहलो आया, और उसके बाद लास्ट वन कौन आया, कुषाण आया। ठीक है, अब आ जाते हैं गुप्त काल। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, कि एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध का उत्कर्ष देखा, उत्कर्ष देखा, मगध के उत्कर्ष के बाद हमने देखा कि कैसे मौर्य वंश आया, नंद वंश को हटा के मौर्य वंश आया। मौर्य वंश कब से कब तक रहा था, मौर्य काल, तो मौर्य काल या मौर्य काल बोलते हैं, वंश नहीं बोलो, मौर्य काल कब से कब तक रहा था, ये 4th BC से लेके 2nd BC तक रहा था, BC का मतलब ईसा पूर्व तक। ठीक है, मौर्य काल के बाद हमारे, हमने पढ़ा क्या कि आपका मौर्य, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल पढ़ा, मौर्योत्तर काल कब से कब तक रहा, तो ये 2nd BC से लेके हमारा 3rd AD तक। तो AD में हम लोग प्रवेश करते हैं, ईस्वी में कब, मौर्योत्तर काल में। ठीक है, मौर्योत्तर काल देखने के बाद अब हमारे हैं गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त, गुप्त काल में देखते हैं, गुप्त काल में क्या क्या हुआ या क्या टाइमलाइन था। तो गुप्त काल में देखो, ये 4th AD से लेके, ठीक है, और 6 AD तक, 6 AD तक इसका कार्यकाल था, गुप्त काल का टाइम पीरियड था। गुप्त काल में अगर देखें तो सबसे पहले राजाओं का, जो वहां के सम्राट हुए, उनके सीक्वेंस देखें, तो सबसे पहले सीक्वेंस देखते हैं, गुप्त काल में कौन आया था, श्री गुप्त, उसके बाद माना जाता है घटो, घटोत्कच आया था, घटोत्कच, उसके बाद हमारा माना जाता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमारा कौन माना जाता है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। इसके बाद हमारा कौन आया था, चंद्रगुप्त के बाद हमारा आया था कुमारगुप्त, कौन आया था, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद हमारा कौन आया था, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद हम देखें तो भानुगुप्त आया था, कौन आया था, भानुगुप्त आया था, और भानुगुप्त के बाद लास्ट एम्परर आया था विष्णुगुप्त। तो ये सीक्वेंस था गुप्त काल में, ये गुप्त काल में कैसे कौन क्या आया। ठीक है, और लास्ट वन आप देखें कि गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में कौन आया था, तो सिर्फ एक का पढ़ेंगे, हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन कब आया था, गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया, और गुप्तोत्तर काल कब से कब तक माना जाता है, तो 6 AD से लेके और 8th AD तक क्या माना जाता है, गुप्तोत्तर काल माना जाता है, और इसमें हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। अब जरा सा एक, ये हमने जो भी बताया नॉर्थ में बताया, जरा साउथ में देखें क्या क्या हुआ प्राचीन इतिहास में, उसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है ना, तो साउथ में देखो, साउथ में क्या हुआ कि जैसे हमारा पषाण काल चल रहा था ना, पषाण काल, पषाण काल और एक वैदिक उत्तर काल होता है, ठीक है, वैदिक उत्तर काल। अब इन दोनों के बीच में देखें तो एक साउथ में महापषाण काल चला था, क्यों, महापषाण को हम बोल रहे हैं कि ये पषाण काल की में नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि महापषाण में हमें आयरन का साक्ष्य मिलता है, और आयरन का साक्ष्य मिलता है महापषाण काल में, और ये क्या होता है, महापषाण क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो कब्र होता था, तो कब्र पे मेनेयर जैसा, ऐसे जैसे ये कब्र है, कब्र को ढक दिया जाता था किसी पत्थर से, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे चारों तरफ, बहुत तरह के हैं महापषाण में कब्र बनाने के तरीके, तो वो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। महापषाण का मतलब होता है कि कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रखा हुआ काल, ठीक है, और ये साउथ में ज्यादातर, साउथ में मिलता है, ठीक है, नॉर्थ में भी मिलता है, लेकिन उसके साक्ष्य बहुत कम होते हैं। ठीक, तो पहली बात है कि यहाँ पे आयरन का है, तो महापषाण काल साउथ में देखेंगे मेनली। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे संगम काल, साउथ में संगम काल, ये संगम काल कब आया था, ये 1st AD के समय में, पहले ईस्वी में,
करीब में संगम काल आया था और वो साउथ में आया था। वही संगम काल है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिससे चेर चोल पांड्य, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट एडी के करीब आए थे। और एक आया था साउथ में सातवाहन, सातवाहन काल, सातवाहन सातवाहन आए थे। ये मौर्योत्तर में हमने देखा था ना देसी वंश के बारे में, तो मौर्योत्तर में, मौर्योत्तर काल के समय, जब नॉर्थ में मौर्योत्तर काल चल रहा था तो साउथ में क्या चल रहा था, सातवाहन। तो ये साउथ में प्राचीन के बारे में पढ़ेंगे, या साउथ में ये प्राचीन की हिस्ट्री है, ठीक है। तो बस ये टाइमलाइन था, इसको ध्यान में रखना है, समझ गए ना। इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे फोकस कर देते हैं इंपॉर्टेंट में, कि देखो अभी तक जो पढ़े पीछे पढ़े हैं वो टाइमलाइन में तो याद रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, महाजनपद में करना है। महाजनपद में हम मगध का उत्कर्ष देखेंगे, मगध मगध का उत्कर्ष देखेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वंश देखेंगे कि कौन कौन आया था। तो ये याद रखना, हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश के बाद कौन आया था, हमारा हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हमारा कौन आया था, नंद वंश। और इसमें हर्यक वंश में कौन आया था, शिशुनाग वंश में कौन आया था, ये बता दिया है, नंद वंश में। तो ये उसके बाद नंद वंश के बाद हमारा क्या आता है, मौर्य वंश की स्थापना हो जाता है, मौर्य काल आता है, ठीक है। मौर्य काल में हमने सिक्वेंस बताया किसका, राजा जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ, ठीक है। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर देखे, मौर्योत्तर में हमने क्या बताया, मौर्योत्तर में ये बताया कि दो वंश में बांट के देखते हैं, एक देशी वंश में और एक विदेशी वंश में। विदेशी वंश का मतलब वो विदेशी आक्रमण किए थे। तो देशी वंश में हमने बताया सूंग, कड़ों और सातवाहना के बारे में बात किया। विदेशी वंश में हमने बताया क्या, जो ग्रीक हैं वो आए, उसके बाद शक आए, पहलव आया, कुषाण आए, इसी के सीधे सिक्वेंस पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात किए गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल में, तो गुप्त काल में बात किए कि कौन कौन आया राजा, तो हमने उसमें बोला श्रीगुप्त आया, घटोत्कच आया, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, समुद्रगुप्त आया, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, देन कौन आया, कुमार गुप्त आया, उसके बाद स्कंद गुप्त आया, देन भानुगुप्त आया, और लास्ट कौन आया, विष्णुगुप्त आया। तो ये हमने गुप्त काल पढ़ा। उसके बाद गुप्त काल के बाद हम लोग क्या पढ़े, बताया कि गुप्तोत्तर काल आया। गुप्तोत्तर काल में ये बताया कि एक ही पढ़ना है हर्षवर्धन के बाद, तो हर्षवर्धन किस काल में आया था, तो गुप्तोत्तर काल में, ठीक है, उसका टाइमलाइन बता दिया। उसके साथ साथ ही हमने बताया कि साउथ में कौन कौन सा क्या हुआ था। तो हमने बताया कि पहला महापषाढ़ काल वहां देखा जाता है, साउथ में मिलता है, ऐसा नहीं है कि पषाढ़ काल नहीं मिलता है, महापषाढ़ वहां पे मिलने दिखता है, पषाढ़ तो दिखता ही है। दूसरा हमने बताया कि संगम काल वहीं देखेंगे साउथ में, प्राचीन के समय में, फर्स्ट एडी के तरफ समय में हुआ था। और तीसरा देखेंगे सातवाहन, सातवाहन मौर्योत्तर काल में जो देशी था उसमें था। तो मौर्योत्तर काल जब नॉर्थ में चल रहा था तो साउथ में सातवाहन चल रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग एक प्राचीन इतिहास के पूरा ब्रीफ देख लिए हैं, अब लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।